लो जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया आर्टिकल, गीगर मुलर काउंटर। एक्चुअली ये क्या है? रेडिएशन डिटेक्टर है, ठीक है। ये रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए आम तौर पर क्या होता है, यूज़ होता है, मोस्ट यूज़ होने वाला जो डिवाइस है वो क्या है, जीएम काउंटर है। किसी भी जगह पर जितनी रेडिएशन का लेवल होगी, जितनी इंटेंसिटी, उसको क्या करता है, रेडिएशन को काउंट करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, गीगर मुलर काउंटर। काउंटर का मतलब क्या है, इसने रेडिएशन की पल्स को क्या करना होता है, काउंट करना होता है। एक्चुअली होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करने लगे हैं इसके प्रिंसिपल की, ठीक है। रेडिएशन आयोनाइज दी गैस, ठीक है। जो रेडिएशन होती है वो गैस को क्या करती है, आयोनाइज करती है, ठीक है। इसी प्रोसेस के ऊपर क्या कर रहा होता है, ये वाला प्रिंसिपल, ये रेडिएशन इसके अंदर गैस फिल्ड की जाती है, रेडिएशन एंटर की जाती है, रेडिएशन एंटर की जाती है तो गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है, गैस आयोनाइज हो जाती है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे फर्दर प्रोसेस देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। मैं हूँ आपका टीचर अली दादा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इसके अंदर बच्चे ये हॉलो सिलेंडर होता है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर के अंदर गैस फील्ड की जाती है। यहाँ पर हॉलो सिलेंडर, ये वाली जो विंडो है इसको मीका विंडो कहते हैं, ठीक है, मीका विंडो। क्लियर हो गया? यानी कि इससे आम रेडिएशन इसके अंदर ना चली जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्फा बीटा उससे क्या करें, क्रॉस कर जाए। इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखे, मीका विंडो लगाई होती है। दूसरा यहाँ पर क्या है, इसके अंदर प्रिंसिपल गैस रखी जाती है। इसके अंदर प्रिंसिपल गैस, ये देखिए यहाँ से ब्लू से शो करते हैं, ये प्रिंसिपल गैस होती है। क्लियर हो गया? सबसे पहले ये क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर के एक साइड पर क्या है, मीका विंडो, और अंदर क्या है, प्रिंसिपल गैस है, ठीक है। वो कौन सी गैस है, वो मेरे पास है आर्गन, ठीक है। आर्गन गैस इसलिए रखी कि इसका पोटेंशियल क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आर्गन गैस फील्ड की, आर्गन गैस के साथ ही इसके अंदर मैंने ब्रोमीन गैस भी फील्ड कर दी। तो ये ग्रीन जो है किस चीज़ को शो करेगा, ब्रोमीन गैस फील्ड कर दी। क्लियर हो गया? अब ये वाला जो पोर्शन है, जो सिलेंडर का ये और ये पोर्शन, इसको हमने बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, कैथोड, यानी कि वॉल्स ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। जो वॉल्स ऑफ विंडो है वो क्या है, वो कैथोड को शो कर रही है। वॉल्स ऑफ विंडो किस चीज़ को शो कर रही है, कैथोड को, ठीक है। और ये जो दरमियान में रॉड है, ठीक है, रॉड किस चीज़ को शो कर रहा है, रॉड पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट है इस रेजिस्टेंस से होते हुए। तो ये रॉड किस चीज़ को शो कर रहा है, एनोड को शो कर रहा है। क्लियर हो गया? और इसके अंदर ये जो ब्लू डॉट्स ये क्या है, आर्गन गैस को शो कर रहे हैं, और जो ग्रीन डॉट्स हैं वो ब्रोमाइन गैस को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया? एक आर्गन को, एक किसको शो कर रहा है, ब्रोमाइन गैस को। इसका मतलब ये वाला जो रॉड है इसको हमने नाम क्या दे दिया, एनोड, क्योंकि ये कहाँ पर है, पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट है। क्लियर हो गया? कंस्ट्रक्शन में ये यहाँ तक हो गया, मीका विंडो, आर्गन गैस, ब्रोमाइन, सिलेंडर, और ठीक है, एनोड और कैथोड।
इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट 400 वोल्ट की बैटरी रखी। आगे मैंने एम्पलीफायर और एम्पलीफायर के साथ मैंने किस चीज़ को कनेक्ट कर दिया, स्केलर को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। स्केलर क्या है, काउंटर है, और एम्पलीफायर का पर्पज़ भी आगे जाके हम लोग बताएंगे, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, इनहेंस करने के लिए यूज़ करते होते हैं। तो लो बच्चों, ये हमारी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन क्या होगी कम्प्लीट। लेकिन इसमें जो गैस फील्ड की जाती है वो 0.1 और बाद बुक में क्या लिखा हुआ है 1/10, इतने ATM प्रेशर के ऊपर इसमें क्या की जाती है, गैस फील्ड की जाती है। क्लियर हो गया। अब हम जब पढ़ने लगे हैं, ये हमारी सारी इसकी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन दोबारा सुन ले, क्या लगा हुआ है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर एक रॉड फिक्स किया हुआ है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर ये वाला रॉड फिक्स किया और सिलेंडर को हमने नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा है तो वो कैथोड है, ठीक है। और जो रॉड है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। एक तरफ क्या रख दी है, विंडो कनेक्ट कर दी, ये वाली कर्व विंडो कनेक्ट कर दी। अंदर जो गैस का प्रेशर रखा, जो गैस फील्ड की, वो क्या है, कैथोड। और जो गैस फील्ड की वो आर्गन गैस फील्ड की और क्या है, ब्रोमाइन गैस फील्ड की। तो हम लोगों ने ब्रोमाइन गैस और इसका प्रेशर कितना रखा, 0.1 ATM या 1/10 ATM रखा। और बाद में इसको किससे कनेक्ट किया, रजिस्टर के थ्रू किससे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और साथ क्या लगा दिया, एम्पलीफायर और साथ गया स्केलर। यहाँ तक तो डायग्राम, यहाँ तक डायग्राम बुक के अंदर बनी हुई है, ये आगे मैंने ए लेवल की बुक से लिया हुआ है डायग्राम। फर्दर क्लियर हो गया। और स्केलर का मकसद क्या होता है, जितनी रेडिएशन काउंट है उनको काउंट करना, स्केलर है काउंटर। और एम्पलीफायर का मतलब है सिग्नल को क्या करना, इनहेंस करना। क्लियर हो गया। अब एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखें। अच्छा, वर्किंग में क्या होगा, वर्किंग में आपने जैसे ही, ठीक है, ये सारा हमें पता चल गया है। जैसे ही आपने क्या किया इसमें वर्किंग में, प्रेशर मैं इधर लिख देता हूँ, प्रेशर 0.1 और 1/10 ATM, ठीक है। जैसे ही इसमें मैंने रेडिएशन एंटर करूँगा, ठीक है, वो रेडिएशन अल्फा या बीटा कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे ही उसको मैंने क्या किया, इसमें एंटर किया, तो एंटर करते सार ही क्या होगा, एंटर करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एंटर दी रेडिएशन थ्रू मीका विंडो। वो रेडिएशन क्या हो सकती है, अल्फा बीटा, ठीक है, और गैमा भी हो सकती है। जैसे मैंने इसको क्या किया, एंटर किया, तो रेडिएशन एंटर हुई। एंटर होते सारी रेडिएशन ने पहला स्टेप क्या किया, रेडिएशन का फर्स्ट स्टेप था, इसने आयनाइज दी, ठीक है, आयनाइज दी। अभी हमने ब्रोमाइन गैस एंटर नहीं की हुई, अभी हमने ब्रोमाइन गैस एंटर नहीं की हुई, सिर्फ सिर्फ क्या है, आर्गन गैस है। उसने आयनाइज दी, आर्गन गैस। जैसे ही उन्हें आर्गन गैस को क्या किया, आयनाइज किया। जैसे ही आर्गन गैस आयनाइज होगी तो फिर क्या होगा, एक्चुअली क्या है, जैसे अल्फा या बीटा रेडिएशन एंटर हुई तो ये मेरे पास गैस है, आर्गन गैस। तो उन्होंने इसके आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर आयनाइजेशन होगी, आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, ठीक है, और एक पॉजिटिव आयन, मैं सिंगल एटम की बात कर लेता, एक पॉजिटिव आयन और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जनरेट होगा। बहुत डिटेल से ज़रा इसको समझिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस सारे के ऊपर कौन सा एनोड है, तो बच्चे इस सारे के ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। और ये क्या है, कैथोड। इस सारे के ऊपर क्या है,
नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर हो गया? ये सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर से क्या है, इतने दरमियान क्या होगा, इलेक्ट्रिक, सारे आउटर जो सिलेंडर का सारा आउटर पार्ट होगा उधर क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। और रॉड में क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, रॉड में क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल, और सिलेंडर पे क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो इस सारे के दरमियान क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रॉड से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी, बाउंड्रीज ऑफ द सिलेंडर तक क्या करेगी, टच करेगी। अच्छा देखिए जरा यहाँ पर अब क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा ना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसकी तरफ मूव करेगा तो फिर एक प्रोसेस होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये देखिएगा, इसने इधर पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्या करना है, मूव करना है। किस तरह मूव करना है, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करना है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो रास्ते में क्या होंगी, जारी बात है एक एटम तो है नहीं, ठीक है, गैस फील्ड है, तो गैस के डिफरेंट क्या होंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे ही वहां से गुजरेगा बच्चे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस तरफ क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, ट्रैवल करते ही आगे गुजरेगा तो उधर क्या कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन और जनरेट कर देगा नेगेटिव, ठीक है। जैसे ही गुजरा तो अगले पार्टिकल को आयनाइज करेगा। मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देने लगा, ट्रैवल किया रास्ते में, मॉलिक्यूल आ गया, एटम आ गया, तो किसका, आर्गन का, तो आर्गन को क्या किया, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक वो और एक दो हो गए। फिर ये क्या करेंगे, दो फर्दर आगे ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो वो आगे नेक्स्ट से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। क्लियर हो गया, पहले एक निकला उसने अगले से स्ट्राइक किया तो दो हो गए, दो ने आगे स्ट्राइक किया तो क्या हो गए, चार, ठीक है, चार। यहां तक आते आते जितने गैस मॉलिक्यूल होंगे उन सबको क्या करेगा, आयनाइज करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये आपके पास ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, और यहां पर क्या है, ये ऐसे। क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल एक आबशार की शक्ल अख्तियार कर लेगा, आबशार ऊपर से फैलती जाती है। तो ये सारे इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, एक इलेक्ट्रॉन ने आयनाइजेशन प्रोसेस से इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, जनरेट कर दिए, और ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे इस पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो जब बच्चे पॉजिटिव पोटेंशियल पे जुड़ेंगे तो इसको हम कहते हैं, इन्होंने क्या बना दिया, कैस्केड्स बना दिए। क्या बना दिया बच्चे, कैस्केड्स बना दिए। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या बनना शुरू हो गए, कैस्केड्स बनना शुरू हो गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर टकराएंगे, ठीक है, तो उसी वक्त क्या होगी, पल्स जनरेट होगी। और इनका यहां पर आने का जो प्रोसेस होता है, यहां से यहां तक आने, उसके लिए सिर्फ इन्हें 1 माइक्रोसेकेंड क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। कितना माइक्रोसेकेंड रिक्वायर्ड होता है, 1 माइक्रोसेकेंड। अब बात यह है कि इसके ऊपर क्या है, ये नीचे यहां तक आएगा, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, अभी यूज होने लगा है, ठीक है। और A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F ओवर A। अभी देखिएगा, ये तो फटाफट यहां पर आ गए। आइन जो होता है वो क्या होता है, आइन जो है वो हैवियर देन पॉजिटिव आइन, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, हैवियर देन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, हैवियर होता है, इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है। तो इसका मास क्या होगा, ज्यादा, तो इसमें क्या होगी, एक्सेलेरेशन क्या होगा, कम। तो ये कम होगा तो ये यहां से क्या करेगा, स्लोली क्या करेगा, ट्रैवल करेगा इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है, इसने किस तरफ मूव करना है, नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, और ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयन किधर, कैथोड की तरफ क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। जब ये कैथोड की तरफ बच्चे ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, कैथोड की तरफ ट्रैवल करते करते इसे जो टाइम लगेगा
वो 10^-4 सेकंड लगेगा, ठीक है, 10^-4 सेकंड लगेगा। अब क्या है बच्चे हमारे पास, क्या है कि अगर इस टाइम को देखा जाए, इलेक्ट्रॉन के टाइम को देखा जाए, ये कितना होता है 10^-6 सेकंड या 1 माइक्रो सेकंड। इसके और इसके टाइम में क्या है, ह्यूज डिफरेंट है, 100 गुना का क्या है फर्क है, मोर देन 100 टाइम्स का क्या है फर्क है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेगा और पॉजिटिव आयन लेट पहुंचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुंचा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगी, पल्स क्या होगी, जनरेट होगी, पल्स जनरेट हो गए, ठीक है, फर्दर बैटरी लगी थी, पल्स जनरेट हो गए, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर स्केलर पे, स्केलर ने क्या कर दिया, इसको काउंट कर लिया, ठीक है। अब अगली रीडिंग कब तक नहीं आएगी, जब तक ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं कर सकेगा, ठीक है, उतनी देर तक कोई रीडिंग स्केलर के ऊपर शो नहीं हो रही, कोई पल्स शो नहीं हो रही होगी, मॉनिटर आपका कोई पल्स नहीं शो करेगा, या स्क्रीन जो है स्केलर वो कोई पल्स शो नहीं करेगी। इस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, डेड टाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, डेड टाइम। और ड्यूरिंग द डेड टाइम, ठीक है, कोई पल्स मॉनिटर के ऊपर शो नहीं होती, इसी वजह से ये जो आपके पास काउंटर है ये स्लो काउंट करता है, क्योंकि इसमें डेड टाइम का क्या आ चुका है, फर्क आ चुका है, तो ये फास्ट डिटेक्टर नहीं है। मैंने क्वेश्चन भी किया था, विच वन इज़ द फास्ट डिटेक्टर, ना जीएम काउंटर है और ना ही क्या है, विल्सन क्लाउड चैम्बर, तो फास्ट डिटेक्टर क्या कौन सा हुआ, जो नेक्स्ट हम करें पढ़ेंगे कल, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, ये एमसीक्यू भी आया हुआ है। अब ये यहाँ से जैसे यहाँ पर पहुँचेगा, अब स्टोरी आगे बढ़ने लगी है, स्टोरी क्या है, आगे बढ़ने लगी है। ये आयन जैसे यहां पर पहुंचा, तो इतनी देर के बाद, तो इसने यहां से क्या कर दिया, इसने पहुंचते सार ही, ये जैसे इधर पहुंचा तो उसके रिवर्स में इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो आयन कहाँ पर, कैथोड के साथ जाकर क्या किया, स्ट्राइक किया, और कैथोड ने फिर वहाँ से क्या कर दे, क्या छोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, या क्या किया, अमिट किया, क्लियर हो, क्या अमिट किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, अमिट किया। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, तो भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होना शुरू हो गया, इस तरह मूव करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने इस तरह मूव करना शुरू कर दिया, तो वो जैसे ही इधर आके टकराएगा, तो उस वक्त क्या होगा, पल्स जनरेट होगी, ठीक है, और पल्स जनरेट होगी और काउंटर जो है वो रीडिंग शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये वाली जो पल्स जनरेट हो रही है, ये रेडिएशन की वजह से नहीं जनरेट हो रही, ये किस वजह से जनरेट हो रही है, आइंस के कैथोड के ऊपर स्ट्राइक करने की वजह से क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो पल्स है वो रीडिंग के अंदर शामिल हो जाएगी। मसलन पहले अगर रीडिंग क्या थी, 1 आ रही है, ठीक है, तो इसके एंटर होते ही क्या होगा, उसकी वैल्यू मैं कह लेता हूँ 0.1, तो अब टोटल क्या रीडिंग जो होना शुरू हो जाएगी, 1.1, तो वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। हद तक ये रीडिंग जो है वो रेडिएशन की वजह से नहीं है, ठीक है, जो 0.1 ऐड हुआ है ये रेडिएशन की वजह से नहीं है, ये किस वजह से है, ये तो आयन के यहाँ पर पहुंचने की वजह से, ये इंटरनल फिनोमेना है, नॉट द एक्सटर्नल फिनोमेना, ये रेडिएशन की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ है, रीडिंग के अंदर तो शामिल हो गया ना, जो एक्चुअल रीडिंग थी, जो ओरिजिनल रीडिंग, उसके अंदर एक नई रीडिंग ऐड हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स काउंट भी कहते हैं, या स्पूरियस, ठीक है, स्पूरियस या फॉल्स हम लोग क्या कहते हैं, काउंट, ठीक है। इसकी वजह से, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी, स्पूरियस काउंट और फॉल्स काउंट, ठीक है, क्योंकि ये रेडिएशन का भाई सी
रेडिएशन की वजह से तो नहीं ना जनरेट हो रही। और मसला ये है कि इस फॉल्स काउंट को हमने ख़त्म क्या करना है। तो एक मिनट के अंदर मैं सारा रिव्यू देने लगा हूँ, ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा एक मिनट के अंदर ये रिव्यू। जैसे ही आपने रेडिएशन एंटर की, रेडिएशन जैसे ही इस ट्यूब के अंदर एंटर हुई, उसने आयनाइजेशन की, आयनाइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और एक क्या हुआ, ठीक है, आयन जनरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन मूव कर गया किसकी तरफ, एनोड की तरफ, और आयन मूव कर गया किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, लिहाजा उसमें एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। वो फौरन कहाँ पर पहुँच जाएगा, एनोड के ऊपर पहुँच जाएगा और पल्स जनरेट कर देगा। उसका जो टाइम होगा वो 1 माइक्रोसेकेंड होगा, ठीक है। लेकिन जो आयन है उसका मास क्या होता है, ग्रेटर होता है, इसलिए वो स्लो पहुंचेगा, वो 10^-4 सेकंड बाद वहां पर पहुंचेगा, ठीक है। इतने टाइम में काउंटर के ऊपर कोई पल्स जनरेट नहीं हो रही होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेड टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड टाइम। लेकिन जैसे ये वहां पर पहुंचेगा, तो वहां पर पहुंचे सारे इसने क्या किया, वहां से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, एमिट कर, ठीक है। वहां से उसने कैथोड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अमिट किया, कैथोड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर दी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। जारी बात है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इनको रिपेल करेगा और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये फौरन एक्सेलरेट होते तो किसकी तरफ आ जाएंगे, एनोड की तरफ आ जाएंगे। जैसे ही एनोड के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेंगे, तो स्ट्राइक करते सारी रीडिंग, और पहले 1 थी तो इसकी रीडिंग 0.1 हो, तो ये 1.1 रीडिंग शो होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल रीडिंग के अंदर कुछ नई रीडिंग क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरियस काउंट कहते हैं, और या फॉल्स काउंट कहते हैं हम लोग। क्लियर हो गया। अभी हम साथ आगे बढ़ने लगे हैं किसके ऊपर, अल्लाह तुहाडा भला करे, हुण असी जान लगे हैं इस फॉल्स रीडिंग नू रिमूव करना। अब हम फॉल्स रीडिंग को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेंचिंग कहते हैं। और क्वेंचिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, एक जो है सेल्फ क्वेंचिंग और एक क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग। लो जी बच्चों, अभी हम पढ़ने लगे हैं क्वेंचिंग। और क्वेंचिंग के अंदर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको यहाँ तक भेजने से हमने क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है, ठीक है, ताकि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए यूज़ होता है, या स्पोरियस काउंट को क्या करें, ख़त्म करने के लिए। एक चीज़ अभी याद रख लें, इसके अंदर आर्गन भी फील्ड हो सकती है और नियॉन भी फील्ड हो सकती है, ठीक है। पहले जो आर्गन का मिक्सचर फील्ड किया था, अब नियॉन का गैस का मिक्सचर क्या कर दिया, फील्ड कर दिया हुआ है, ठीक है। आजकल नियॉन गैस, पहले किसका, आर्गन गैस का मिक्सचर किया गया था, इसके अंदर फील्ड किया जाता था। अच्छा, सेल्फ क्विंचिंग क्या है, सेल्फ क्विंचिंग क्या है कि जैसे ये काउंट यहाँ तक आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ जाए, तो मैंने इसके अंदर क्या भर देना है, इसके अंदर ब्रोमाइन गैस भर देनी है, ये वाली। पहले मैंने बोला था आप लोगों को ब्रोमाइन गैस भर दो। ब्रोमाइन की क्वालिटी क्या होती है, ये लो आयनाइजिंग पोटेंशियल होता है इसका, ठीक है, लो आयनाइजिंग पोटेंशियल पे होगी, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो पहला इलेक्ट्रॉन है रीडिंग वाला, ठीक है, जो रेडिएशन की वजह से, आयनाइजेशन की वजह से जनरेट हुआ, तो वो पहुंचा, जैसे वो कैथोड के ऊपर पहुंचेगा, तो उसी वक्त क्या कर देंगे हम लोग, इसके अंदर ब्रोमाइन गैस ऐड कर देंगे। जैसे ही ब्रोमाइन ऐड गैस ऐड होगी, देखिएगा ज़रा यहाँ पर ही, ठीक है, ये अपर सिलेंडर की साइड है नेगेटिव, ठीक है, पोटेंशियल। जैसे ही ये आयन क्या करेगा, पॉजिटिव आयन, बच्चे जैसे ये यहाँ पर जाके स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करते सारी वहाँ पर क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। क्या चीज़ जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन्स। ये ले, इसने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन ने किधर पहुँचना है, इस सिलेंडर के ऊपर पहुँचना है। तो मैंने इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने से रोकना है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने रुक जाए, तो हमारे पास जो स्पोरियस काउंट होगा, फॉल्स काउंट होगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेंचिंग। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई गैस इसके अंदर क्या करूँगा, ऐड करूँगा। जैसे ही मैंने इसके अंदर गैस ऐड की, ये देखिएगा ज़रा, ये गैस ऐड की, ग्रीन से शो कर लेता, उधर भी ग्रीन से शो किया, तो ये गैस ऐड की, ठीक है, ये गैस मैंने इसके अंदर क्या करी, ऐड की ब्रोमीन। तो इसने क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया, तो इस गैस ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया,
कैप्चर करके ये ब्रोमाइन गैस थी, तो ये किस में कन्वर्ट होगी? ब्रोमाइन एटम में होगी और न्यूट्रल होगी। क्लियर हो गया? क्या होगी? न्यूट्रल, क्योंकि इनके दरम्यान इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स वो लोअर पोटेंशियल से किधर जाएंगे? हायर पोटेंशियल की तरफ, तो इन्होंने मूव करना ही करना है। तो मैं अगर उसी वक्त क्या कर दूं, ब्रोमाइन गैस, ठीक है, या कोई भी ऐसी गैस जो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर हो, ठीक है, उसको मैं जैसे इसमें क्या करूँगा, एंटर करूँगा, तो उसी वक्त क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगी, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्वंचिंग कहते हैं। इससे क्या होगा, फॉल्स काउंट जो रीडिंग स्केलर के ऊपर शो हो रही थी वो होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और हमारे पास रियल में एक्चुअल काउंट ही आएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ क्वंचिंग कहते हैं। अब इसका दूसरा प्रोसेस जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वंचिंग। तो इलेक्ट्रिकल क्वंचिंग किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं इसका रिव्यू आपको पहले दे लूँ। सेल्फ क्वंचिंग एक्चुअली 1 मिनट के अंदर क्या है, आयन ऊपर गया, उसने वहाँ से इलेक्ट्रॉन मीट की, इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जाके एनोड के ऊपर स्ट्राइक करे तो वो क्या हो जाएगा, उसी वक्त आपको रीडिंग शो कर देगा, वो फॉल्स काउंट होगा। आपने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ आते हुए रोकना है। जब आप कैथोड से एनोड की तरफ आते हुए रोकेंगे, ठीक है, तो कैथोड से एनोड की तरफ आते हुए रोकेंगे तो ही क्या होगा, फॉल्स काउंट क्या हो जाएगी, स्पोरियस काउंट को हम क्या कर सकेंगे, रोक सकेंगे। क्लियर हो गया? स्पोरियस काउंट जैसे ही रुकेंगी, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास एक्चुअल रीडिंग क्या हो जाएगी, शो होना शुरू हो जाएगी। तो उसको रोकने का प्रोसेस क्या है कि हम उसी वक्त क्या कर देंगे, उसके अंदर ब्रोमाइन गैस ऐड करेंगे जो लो आयनाइजिंग पोटेंशियल पर होगी, वो इलेक्ट्रॉन को फौरन क्या कर देंगे, क्या कैप्चर करके उसी वक्त इसमें एक न्यूट्रल एटम में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं होगा, और वो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आने से रुक जाएंगे। जब एनोड की तरफ आने से रुक जाएंगे तो उस वक्त आपको रीडिंग शो नहीं होगी, और इस तरह हम फॉल्स काउंट से क्या हो जाएंगे, बचेंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वंचिंग। क्या है? इलेक्ट्रिकल क्वंचिंग, ठीक है। तो इसका मतलब मैं फिर दोबारा बता दूं, जो ब्रोमीन गैस होगी उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, क्वेंचिंग गैस का। अच्छा, फिर क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से भी क्या कर सकते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग अभी पढ़ने लगे हम लोग, तो बच्चे अभी हम पढ़ने लगे हैं इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग। तो हम इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग किसे कहते हैं, ठीक है, देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है, ये सिलेंडर, ये वाला इसके सेंटर में क्या है, रॉड, ठीक है। रॉड किसे क्या कहते हैं, एनोड को कहते हैं दोबारा, और ये क्या, कैथोड, ठीक है, कैथोड। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और एक आयंस, आयन इधर ट्रैवल किया, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का टाइम जो होगा वो 1 माइक्रोसेकंड होगा, और आयन का टाइम कितना, 10^-4 सेकंड। क्लियर हो गया? -4 सेकंड होगा। अब क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा, ये यहाँ से जाकर नए इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, स्पोरियस काउंट देगा, फॉल्स काउंट देगा। अब इसको हमने क्या करना है, बचाना है, स्पोरियस काउंट को रोकना है। तो बच्चे जैसे ही पहली पल्स जनरेट हो यहाँ पर, उसी वक्त मैं क्या कर दूँ, इस एनोड को हाई नेगेटिव पोटेंशियल पर ले जाऊं, ठीक है। जैसे ये पहले
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचे, पल्स जनरेट हो, उसी वक्त मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, ठीक है, हाईली नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दूँ। अब यहाँ पर क्या हो चुका होगा, ये सारा जो है वो हाईली क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स पहले इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, वो इतना ज़्यादा इनको अपोजिंग फोर्स मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे रिपेल, तो ये जो है यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, ये इसी सरफेस के करीब करीब ही क्या करेंगे, रहेंगे, क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पर भी नेगेटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन ने मूव किधर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लोअर से हायर की तरफ, लेकिन आगे और ज़्यादा लोअर हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, तो कोई फॉल्स पल्स क्या होगी, जनरेट ही नहीं होगी। इस तरह की क्वेंचिंग हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें हमारे पास क्या है, गीगर मुलर की मदद से आप रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और पेनिट्रेशन पावर भी, ठीक है, यूजेस देखें, ठीक है, रेंज नंबर वन, और नंबर टू क्या है, पेनिट्रेशन पावर, एक रेंज और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेशन। जो गीगर मुलर होता है बच्चे, ये फास्ट काउंटर नहीं होता, क्यों, क्योंकि इट इज नॉट अ फास्ट काउंटर, इट इज नॉट अ फास्ट काउंटर, क्यों, क्यों, बिकॉज ऑफ डेड टाइम, और डेड टाइम कितना होता है, 10^-4 सेकेंड, इस डेड टाइम की वजह से ये क्या कर सकता है, फास्ट काउंट नहीं कर सकता। जब ये फास्ट काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, फास्ट काउंट नहीं कर सकता, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये आमतौर पर तो यूज़ होता है, लेकिन अगर आप फास्ट रीडिंग चाहते हैं तो ये कभी भी आपको फास्ट काउंट नहीं देगा। इसके काउंट जो होंगे, काउंट रेट जो होगा, वो 100 के करीब करीब ही क्या करेगा, लाइक करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट जो मिक्सर यूज़ हुआ था वो आर्गन और ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद नियान और ब्रोमीन हो गया, फिर कभी आर्गन और क्लोरीन हो गया, तो डिफरेंट मिक्सचर इसके अंदर क्या होते हैं, यूज होते हैं, लेकिन इसका पर्पज़ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, रेडिएशन को क्या करना, डिटेक्ट करना, रेंज फाइंड आउट करना, या और क्या, पेनिट्रेशन पावर फाइंड आउट करना, क्लियर हो गया, ये चीज़ें होगी, ठीक है। हम इसको फास्ट काउंटर पे कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। इसमें जो गैसेज यूज़ होती हैं वो डिफरेंट हो सकती है, नियॉन की जगह आर्गन और आर्गन की जगह क्या हो सकती है, नियॉन भी हो सकती है, क्लियर हो गया। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हुँ।